बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल मौजू आपके सामने है, कुरान पाक की इस आयत को यहूदियों ने यहूदी होकर पढ़ा और उस पर अमल किया और वो नाकाबिल शिकस्त हो गए। हमने कुछ नहीं किया और हम क्या हुआ, हम शिकस्त खोर्दा हो गए और इस वक्त उम्मत परेशान है और हमने ये दो काम किए बस, जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कि अगर हम ना जागे तो यकीन करें इससे भी ज़्यादा हमें मार पड़ने वाली है। कुरान पाक की वो आयत मैं आपके सामने पेश करूँगा जिसमें अल्लाह ताला ने हमें पूरी प्लानिंग बनाने का, पूरी प्लानिंग करने का हुक्म दिया है। मैं आपको एक वाक्या सुनाता हूं कि 1967 में जब इसराइल और अरब की जंग लगी थी तो उस वक़्त हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना अबुल हसन नदवी। उन्होंने बयान दिया था कि इसराइल जो है उस ज़माने में, उन्होंने कहा था कि इसराइल जो है ये फतह हासिल कर लेगा और अरब शिकस्त खा जाएंगे। तो लोगों ने उनके खिलाफ बड़ी बातें की कि देखो जी इसराइल की हमायत कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि इसराइल क्यों यानी कि मार नहीं खाएगा, क्योंकि उसने प्लानिंग पूरी की है, उसने अपनी तैयारी पूरी की है। तो उसकी तैयारी का आलम यह था कि उसने यानी कि 50-100 साल मेहनत करके अपने आप को असबाब के दर्जे में इतना मजबूत कर लिया था, अस्करी लिहाज से, मुआशी लिहाज से भी, और उसके जासूसों का नेटवर्क इतना सख्त था, इतना यानी कि एक्टिव था कि जब मिस्र ने 1967 में इसराइल के ऊपर फिजाई हमला करने का ऐलान किया तो उसके जासूसों ने इतनी तेजी से खबर पहुंचाई कि उनके हवाई जहाज उड़ने से पहले पहले इसराइल ने मिस्र का हवाई एयर बेस उड़ा के रख दिया था। तो मौलाना अबुल हसन नदवी उन्होंने यही कहा कि इसराइल जो है उसने अपने आप को मजबूत किया। कुरान पाक की इस आयत का उन्होंने हवाला दिया था। आज भी अगर आप देखेंगे इसराइल जो है छोटा सा मुल्क, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस यानी देखें एजेंसियाँ जो हैं वो उनको देखें और उनकी यानी कि अस्करी कुव्वत देखें और मुआशी लिहाज से क्या पूरी दुनिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में नहीं किया हुआ। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ ये नारे मारे हैं या बड़के मारी हैं। हमारे हुक्मरान जो है वो गफलत के नहीं सोए हुए हैं। तो उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली। अभी ईरान ने जब 331 मिसाइल मारे हैं तो कैसे उन्होंने रोके हैं, सिर्फ 5 या 6 मिसाइल गए हैं, बाकी सारे हवा में उन्होंने तबाह कर दिए। ये टेक्नोलॉजी है उनके पास। उन्होंने यानी कि कुरान पाक की ये आयत देखें आपके सामने जिसके बारे में मौलाना ने फरमाया था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑے ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، یعنی کفار کے مقابلے میں ہر زمانے میں جتنی طاقت तुम हासिल कर सकते करो। अगर वो यानी कि तुमसे आगे निकल गए तुम भी मेहनत करो, तुम भी उनके मुकाबले में लिहाज से यानी कि उनसे आगे निकलो और यानी कि तैयारी करो। लेकिन हुआ क्या कि हम पीछे हट गए, पीछे हो गए, वो आगे निकल गए। तो देखें उन्होंने अस्करी लिहाज से और मुआशी लिहाज से कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया है। और हम अब क्या कर रहे हैं, हम नारे लगा रहे हैं। देखें अकेले दुआएं करने से बात नहीं बनती कि नफल पढ़ लें, दुआएं करें या अल्लाह इनको अजाब दे दे। अल्लाह अजाब दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है खुद, अल्लाह कहता है तुम भी तैयारी करो। हमने क्या तैयारी की है? और 13वें पारे के अंदर अल्लाह ये भी फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। ये दूसरी लाइन के एंड से देखें, यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत को बदलने की यानी कोशिश नहीं करते या अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके आते। अपने आप को बदलना भी होगा और असबाब के दर्जे में तैयारी भी करनी होगी, लेकिन हमने नहीं की, उन्होंने की, वो आगे निकल गए। मेरी आज की वीडियो का टाइटल और मौजू भी यही है कि उन्होंने इन दो बातों के ऊपर अमल किया, यानी कि अस्करी लिहाज से अपने आप को मजबूत किया और मुआशी लिहाज से। तो देख लें वो कहाँ पहुँच गए हैं। मुसलमान इस वक्त सिर्फ यानी कि नारे लगा रहा है और बातें कर रहा है, अमलन कुछ भी नहीं है। अमलन जिन्होंने किया वो आगे निकल गए। तो ये यानी कि असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ यही कहते हैं जो करना है अल्लाह ने करना, अल्लाह से मांगो। ठीक है अल्लाह ने करना है, लेकिन
अल्लाह तो खुद फरमा रहा है कि असबाब के दर्जे में अपने आप को मजबूत करो, तो ये भी जरूरी है। तो अगर हमने कुरान पाक को ना समझा, अभी भी वक्त है। अगर हम समझ जाएंगे कुरान पाक को और उसके मुताबिक यानी कि अपना लाया अमल बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारी खोई हुई इज्जत दोबारा हमें मिल सकती है। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हुक्मरानों को जगा दे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जगा दे। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना, मुझे लाइक भी कर देना अपना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। दुआओं में जरूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।